चलो आगे सेट जाओ, चलो आगे सेट जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को जय श्री राम, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत दादा सुखदेव गोगामाड़ी, दादा सूरजपाल अम्मू जी, जो शान है आज के समय में, किसी को इसमें शिकवा नहीं करना चाहिए, किसी में शक नहीं रहना चाहिए, जो इस देश की शान है, आन बान शान है, उनको नमस्कार करते हुए इस लाइव के माध्यम से मेरा सिर्फ ये मैसेज है, जो जिसका नेतृत्व अम्मू दादा जैसे, सुखदेव दादा जैसे, हमारे जो बड़े भाई हैं वो कर रहे हैं। उपदेश राणा जैसे नौजवान, उपदेश राणा दायित्व बनता है, आप सभी का दायित्व बनता है, अपने घरों से निकलें। संपूर्ण हिंदू समाज की लड़ाई है, आप इस लड़ाई में सहयोग करिए, आपकी अपनी लड़ाई। और एक मैं वचन देता हूँ अम्मू साहब को, अपने बड़े जो भाई भाई समान है, कि मैं आजीवन आजीवन जो ये कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा, कि ये मेरे बुजुर्ग हैं। आज जिस प्रकार से हमने सेंसर बोर्ड का बैंड बजाया है, सुखदेव सिंह गोगा मैडी के नेतृत्व में, उपदेश राणा जैसे और आप जैसे हजारों नौजवानों के नेतृत्व में, आप सबको बधाई। परंतु ये बधाई उस दिन जिस दिन संजय लीला भंसाली की पद्मावती पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलेगी। आप लोग ये तय कर लें, आज जो इस वीडियो के माध्यम से जो नौजवान पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं की शान बन चुका है उपदेश राणा, और आप जैसे नौजवान आज जब जमीन पर उतर गए मुंबई में सेंसर बोर्ड की छाती पे पैर रख के आप लोगों ने उनको मिलने पर मजबूर कर दिया, हमारी एक ही मांग है, फिल्म चलेगी क्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी क्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुखदेव सिंह गोगा मैडी, उपदेश राणा का और आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, हमसे महाराष्ट्र प्रशासन ने प्रॉमिस किया है कि हमारे बच्चे तुरंत रिहा कर दिए जाएंगे, और अगर नहीं रिहा किए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और उपदेश राणा की सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेल भरेगी। नमस्कार, नमस्कार।